अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 56 और टॉपिक है हमारा सिस्ट इन अमीबा। क्लास अमीबा को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बाइनरी फ्यूजन के अंदर। बाइनरी फ्यूजन ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन होके दो ऑर्गेनिज्म न्यू बना देना, सिंपल डिवीजन है, जो हमने देखा था अमीबा के अंदर भी, बैक्टीरिया के अंदर भी और प्लेनेरिया के अंदर भी, इसके अलावा इकाइनोडर्मेट्स के अंदर। तो क्लास आज हमारे पास जो टॉपिक है सिस्ट इन अमीबा, इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक अमीबा जो है यूनिसेलुलर अमीबा, उससे बहुत सारे अमीबा बन सकते हैं। इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। और इसमें सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सिस्ट है और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है मल्टीपल फिशन। इसको मैं डिटेल के साथ आपको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले क्लास, व्हाट इज द सिस्ट? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि जब अमीबा को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, जो पीएच चाहिए, वो अगर अवेलेबल ना हो, तो अमीबा जो होता है ये क्या करता है, अपने अराउंड, अपनी सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक हार्ड वॉल बना देता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। दैट हार्ड वॉल दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अराउंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा इज कॉल्ड सिस्ट। ठीक है जी, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज सिस्ट? सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा, फॉर्म हार्ड वॉल्स कॉल्ड सिस्ट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अच्छा, ये हमारे पास है जनरल अमीबा की डायग्राम। अमीबा की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, ये दरमियान में जो नजर आ रहा है रेड कलर का, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज बाकी आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म है इसका, और ये जो फिंग लाइक प्रोजेक्शन है पसिडोपोडिया। अब यही अमीबा जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं थी, ये राउंड हो जाता है। राउंड होने के बाद बॉडी के अराउंड एक हार्ड वॉल बन जाती है जिसको हम सिस्ट कहते हैं। और सिस्ट जो है एक हार्ड वॉल है, और ये कब बनती है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है कि जब न्यूट्रिएंट्स ना हो, पीएच मुनासिब ना हो, फूड प्रेजेंट ना हो, पीएच मुनासिब ना हो, तो जो डॉर्मेंट फॉर्म जो है अमीबा की जो वॉल बनती है, दैट इज कॉल्ड सिस्ट। अच्छा जी, ये हार्ड वॉल बन चुकी है, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, दिस इज कॉल्ड सिस्ट। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो आपको रेड कलर का न्यूक्लियस नजर आ रहा है, इसकी होती है मैनी टाइम न्यूक्लियस की डिवीजन होती है माइटोसिस के जरिए। एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, वी कैन से दैट दिस इज अ मल्टीपल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई, सेकेंड स्टेप क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइडेड मैनी टाइम्स। जी, न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हुआ और एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास है और बाकी जो साइटोप्लाज्म है वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, जो न्यूक्लियस थे
For example, I am drawing some of the nucleus. Har nucleus ke baad ek cytoplasm bhi divide ho jata hai. पहले न्यूक्लियस की डिवीजन हुई, फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई और हर न्यूक्लियस के अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन बन गई और इस तरह से बहुत सारे अमीबा बन गए. और ये क्या कब हुआ? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. अब दोबारा जब फेवरेबल कंडीशन आई तो क्या हुआ? सिस्ट वॉल जो थी वो ब्रेक डाउन हो गई. सिस्ट वाल क्या हो गई? ब्रेकडाउन. सिस्ट वाल के ब्रेकडाउन होने के बाद जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के अमीबा अंदर बने हुए थे, सिस्ट वाल के ब्रेक डाउन होने के बाद वो सारे के सारे अमीबा बाहर जो है वो रिलीज हो जाते हैं. और हर अमीबा ग्रो करेगा साइज में और उसके पास एबिलिटी होगी ये वो एक नया अमीबा जैसे पेरेंट ऑर्गेनिज्म था वैसे बना दे. और ये कब होगा? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. तो जब ब्रेकडाउन होने के बाद बहुत सारे अमीबा बनेंगे तो इसको कहते हैं मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन का मतलब क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनिज्म से बन जाना. क्लियर हो गया जी? तो इसमें क्या हमारे पास है? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन न्यूक्लियस डिवाइड हुआ. न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा डिवाइडेड इन मैनी डॉटर्स न्यूक्लाई बाय रिपीटेड डिवीजन. साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म डिवीजन इन टू सेवरल पार्ट. Each part of the cytoplasm encloses a nucleus and then when break and after the formation of the cytoplasm, after formation of the new cell membrane, when they are fully formed, then the cyst wall is break down and the all amoeba release outside the environment. This is called multiple fission. क्लास नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? अगर कोई ऑर्गेनिज्म दो से ज्यादा तकरीबन 8 से 9 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, डिवाइड होने के बाद हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. और ये मोस्टली होता है वॉर्म्स के अंदर. उनमें क्या होता है? एक वॉर्म 8 से 9 पीसेस में डिवाइड हो जाता है और फिर हर पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. इसी तरह से अगर प्लेनेरिया भी 2 से ज्यादा पार्ट्स में या 8 से 9 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और हर पार्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना दे, रीजनरेशन, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. क्लास सबसे पहले तो आप बुक से मैं बताता हूं, फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है. The certain worms grow to full size, the spontaneously अचानक से break down into 8 to 9 pieces. 8 से 9 हिस्सों में divide हो गए. The each piece develop into a mature worm and process is repeated. उसके बाद क्या हुआ? Process repeated हुआ. The process of asexual production in which one organism divided into 8 to 9 pieces and each piece developed into new organism called fragmentation. उसके बाद ये हमारे पास है प्लेनेरिया. प्लेनेरिया की एग्जांपल मैंने दी कि प्लेनेरिया 8 से 9 में या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे तो हम इसको क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन. अगर वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बाइनरी फिशन. In planaria, break into many pieces instead of 2, this is called fragmentation. तो क्लास ये हमारा फ्रेगमेंटेशन आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद करना है. और साथ हमारे पास सिस्ट फॉर्मेशन इन अमेबा, तो सिस्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, दूसरा आपका मल्टीपल फिशन शॉर्ट क्वेश्चन है. ठीक है, तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है. थैंक यू, अल्लाह हाफिज.